फिल्म एक्टर आमिर खान ने मनाया अपना 57वां जन्मदिन। शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर के बीच केक काटकर किया बर्थडे सेलिब्रेशन। बेबाक अंदाज और मिस्टर परफेक्ट के नाम से मशहूर हैं एक्टर आमिर खान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका। ईडी एफआईआर को क्वेश्चन करने उच्च न्यायालय में की थी अपील, कोर्ट ने दिया जवाब। एनसीपी नेता के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, नहीं मिलेगी जमानत। 130 दिनों से जेल में बंद है अनिल देशमुख। महाराष्ट्र में किन्नरों को नई पहचान देने की तैयारी। वित्त मंत्री ने बजट अधिवेशन में किया ऐलान, राज्य के सभी किन्नरों को मिलेगा राशन कार्ड और पहचान पत्र, आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। अब 12 से 14 साल के सभी बच्चों को लग सकेगा कोरोना का टीका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को भी मिलेगी बूस्टर डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की वैक्सीन लगवाने की अपील। पंजाब में आम आदमी पार्टी की 16 मार्च को होगी ताजपोशी। भगवंत मान लेंगे मुख्यमंत्री की शपथ। पंजाबियों को दिया वासंती पगड़ी और चुन्नी पहन कर आने का न्योता। बोले भगवंत मान नहीं, करोड़ों पंजाबी बनेंगे मुख्यमंत्री। दिन बुधवार को शहीद आजम भगत सिंह के जद्दी पिंड खटकड़ कलां विखे पंजाब के मुख्यमंत्री का सहु चुक समागम होगा। सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे नाल पंजाब के 3 करोड़ लोग वो भी मुख्यमंत्री की सहु चुकेंगे। फिल्म कश्मीर फाइल्स को महाराष्ट्र में टैक्स फ्री करने की मांग। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। जम्मू कश्मीर के पंडितों के पलायन पर बनी है फिल्म कश्मीर फाइल्स। और कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर रो पड़े दिल्ली वाले। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स में दिखाई गई है कश्मीरी पंडितों के पलायन की सच्ची कहानी। अनुपम खेर समेत कई नामचीन एक्टर्स ने निभाई है भूमिका। महाराष्ट्र में पुलिस ट्रांसफर घोटाले के पेन ड्राइव खुलासे पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एफआईआर। पुलिस जांच पर विधानसभा में बोले फडणवीस, राजनीतिक द्वेष में विशिल ब्लोअर को आरोपी बनाने की साजिश, लेकिन जेल जाने से डर नहीं। बोले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। माझ्या वडिलांना 2 वर्ष इंदिराजींनी जेलमध्ये ठेवलं होतं, 2 वर्ष, कुठलाही गुन्हा नव्हता। माझ्या काकूला 18 महिने जेलमध्ये ठेवलं होतं, कुठलाही गुन्हा नव्हता। त्यामुळे जेल बिलला घाबरणारे आम्ही लोक नाही आहोत, जनतेकरता लढणारे लोक आहोत आम्ही। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार के सवाल पर बोले कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, 2024 में सभी विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, जीतेगी कांग्रेस, बनाएगी अपना मुख्यमंत्री। और महाविकास आघाड़ी सरकार का महाराष्ट्र भवन के लिए बड़ा फैसला। निर्माण के लिए बजट में आवंटित किए 100 करोड़ की निधि। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे की मांग हुई पूरी। 20 वर्षों से नोइंबई के वासी में आरक्षित पड़ी है 8,000 वर्ग मीटर जमीन। ये महाराष्ट्रात होणं किती गरजेचं आहे आणि त्यासाठी आज अर्थसंकल्पामध्ये 100 कोटीची तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्र भवनासाठी केलेली आहे, म्हणून मी पुन्हा एकदा त्यांचं अभिनंदन करते। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीव्हीवर इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।